जब आप पहली बार पैन कार्ड बनाते हैं तो पैन कार्ड बनाने के बाद आप उसको वेरीफाई करते हैं तो वहाँ लिखा आता है पैन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नोट एज अ पर पैन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस क्या है और ये कैसे पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज अ पर पैन आएगा और पैन लिखा आएगा पैन कार्ड वेरीफाई। ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु, आप देख रहे हैं लहरे टेक। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पेन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नोट एज अ पर पेन जो आता है उसको पेन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर पेन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज अ पर पेन कैसे आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पेन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नोट एज अ पर पेन जो आता है उसका सोल्यूशन क्या है और उसका प्रोसेस कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्रोम स्टार्ट ओपन करते हैं। करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे ई फीलिंग, ठीक है, ई फीलिंग सर्च करेंगे यहाँ पे और ये ई फीलिंग्स ओपन होने लग गया साइट्स। ठीक है, अब ये होम पे जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है पैन कार्ड जो लिखा आता है पेन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नोट एज पर पेन, उसके लिए वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे वेरीफाई पेन स्टेटस है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ये आ गया, अभी यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम सारी डिटेल यहाँ पे पेन नंबर, यहाँ पे फुल नेम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और हम फिर बताते हैं आपको। तो हमने यहाँ पे पेन नंबर इंटर कर लिया है, यहाँ पे आधार नेम फुल नेम इंटर कर लिया है कैपिटल लेटर में, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी हमें यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, और ओटीपी इंटर करने के बाद हम जैसे यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लिखा आ गया पेन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नोट एज अ पर पेन। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब ऐसा क्या करें, क्या तरीका अपनाएं जो पेन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज अ पर पेन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बैक जाना होगा। ठीक है, और बैक जाने के बाद हमें यहाँ फिर से डिटेल फिल करनी होगी, जो भी डिटेल्स है वो हमें फिल करनी है। अब हमने यहाँ पे डिटेल फिर से फिल कर लिया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ गलती क्या हुआ था। गलती ये हुआ था कि पेन नंबर जो है वो पेन नंबर तो हम बिल्कुल प्रॉपर इंटर किया हमने, और नेम जो है वो भी बिल्कुल हमने इंटर किया क्लियर, और डेट ऑफ बर्थ में जो हमने डाला है वो डेट ऑफ बर्थ में एक चीज़ मिसमैच हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ये मिसमैच था। ठीक है, तो अब हमने ये जो किया है अब इसको हम आगे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, एक ओटीपी आएगा वो हम इंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब देखिए वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट हो जाएगा। आप देखिए वैलिडेट किया हमने और वैलिडेट पेन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आ रहे जब पर पेन हो गया। तो इस तरीके से आप भी अगर करेंगे प्रोसेस, ठीक है, तो आपका भी पेन इज एक्टिव और पेन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आ रहे जब पर पेन आ जाएगा। ठीक है, जिसको वेरीफाई पेन स्टेटस कहते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।